अविश्वास प्रस्ताव पर 12 घंटे चर्चा होगी, ये भी आप जान लीजिए। और लोकसभा में 12 घंटे चर्चा को मंजूरी मिली है, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, ये बड़ी खबर है। लोकसभा में 12 घंटे चर्चा को मंजूरी, दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत हो जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव पर 12 घंटे चर्चा होगी, ये बड़ी खबर है। तो लोकसभा में 12 घंटे चर्चा को मंजूरी मिल गई है, यानी कि 12 घंटे तक इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी। देखिए, 3 दिन तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस चर्चा का जवाब देंगे, और आज से इस चर्चा की शुरुआत हो रही है, 12 घंटे तक ये चर्चा चलेगी। और देखिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त कुछ मेहमान जुड़े हैं। जफर इस्लाम साहब प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अजय उपाध्याय प्रवक्ता है कांग्रेस के, AK वाजपेयी प्रवक्ता है LJPR के, आशुतोष वर्मा जी प्रवक्ता है SP के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जफर इस्लाम साहब आप ही से करते हुए, बेशक विपक्ष के पास नंबर नहीं है लेकिन रणनीति मजबूत है, और इसी के तहत सबसे पहले जो चर्चा शुरू होगी वो राहुल गांधी के संबोधन के साथ होगी। भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरीके से देखती है, सरकार की क्या रणनीति है? देखिए, कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पे ही बोला कि जो इनकी जो बार बार डिमांड है कि चर्चा करें मणिपुर पे, वो तो डिमांड पहले ही हम चाहते थे चर्चा करें, हम कुछ चाहते थे। आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पे कहा था कि हम चर्चा करना चाहते हो, कहते रूल्स 267 में करना चाहते, 176 में कम मिलेगा। उन्होंने लेटर लिख के, पत्र लिख के दे दिया LOPs को कि भाई आप जितना समय लेना चाहें लीजिए, हम चर्चा करेंगे। फिर भी चर्चा नहीं किया, इससे मतलब से समझ में आता है कि उनकी मंशा चर्चा बिल्कुल करना नहीं, चर्चा चाहते ही नहीं, लेकिन वो सिर्फ कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। कि चर्चा के लिए कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए, मणिपुर जैसे मुद्दे पर अगर चर्चा करनी है तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि एक तरह से आप मानेंगे कि उनकी जीत हुई है, प्रधानमंत्री मोदी को वो चाहते थे सदन में जवाब दें, अब देना होगा उनको? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि सदन में जब अभी ये चर्चा है, नो कॉन्फिडेंस मिशन है, तो उसमें एक मणिपुर क्यों, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। और आपको मैं बताता हूं कि जिस वक्त राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते, लेकिन जब ये खत्म होगा, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन का आखिरी भाषण होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो वो हम कोई डिफेंड करने के लिए नहीं, इसलिए कि अब ये अब पूरे चर्चा के दौरान ही ये एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन हमारा मकसद है इनको एक्सपोज करना, इसलिए कि इनको बता एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कुकी और नागा के बीच में एथनिक वायलेंस हुआ था जब 1993 में, तब इन्होंने किसको भेजा था, 500 से ज्यादा लोग मरे थे, किसको भेजा था, MOS मिस्टर पायलट जो उस वक्त राजेश पायलट जी थे, वो MOS थे, उनको भेजा था वहां पर मणिपुर, और वो सिर्फ 3.5 घंटा के लिए गए थे, 2 घंटा एयरपोर्ट में लोगों से मिले, 1.5 घंटा गवर्नर के खाना का 1 मिनट, और उसके बाद जब सदन पे आके MOS ने चंद मिनट बात की, उसके अलावा ना तो गृहमंत्री ने बात की, MOS होम ने बात की, लेकिन गृहमंत्री ने बात नहीं की, ना तो प्रधानमंत्री ने बात की। आज अपना जरा गरिमा झांक के देखिए कि उस वक्त 540 लोग मरने के बावजूद इन लोगों ने डिस्कशन नहीं चाहा, और आज ये बार बार ठीक है, अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से, ठीक है, जो बातें आपने कही है कि कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, ये जान लेती हूँ और उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।